नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिले में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। झाबुआ जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम डीआरपी लाइन झाबुआ में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। कलेक्टर नेहा मीना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर मध्य प्रदेश के जन जन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में कलेक्टर ने अनेकता में एकता के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में मुक्त किया। इस समारोह में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने हर्ष फायर कर जयघोष किया। कलेक्टर द्वारा परेड का मार्च पास्ट कर परेड कमांडरों का परिचय प्राप्त किया। कलेक्टर द्वारा जिले के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व और शहीद के परिजनों का पुष्पमाला, श्रीफल और शॉल देकर सम्मान किया गया। इसके पश्चात जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ के मार्गदर्शन में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा PT प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ ही परेड प्रदर्शन सीनियर श्रेणी में प्रथम स्थान जिला पुलिस पुरुष बल झाबुआ, द्वितीय स्थान विशेष सशस्त्र बल 24वीं वाहिनी बी कंपनी कैंप झाबुआ एवं तृतीय स्थान होमगार्ड बल ने प्राप्त किया। इसी प्रकार जूनियर दल में प्रथम स्थान NCC सीनियर, द्वितीय स्थान रेडक्रॉस दल बालिका एवं तृतीय स्थान NCC जूनियर एवं गाइड दल ने प्राप्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ, द्वितीय स्थान कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ एवं तृतीय स्थान पर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातितलाई रहे। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु, बच्चे एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रकाश पड़ियार, झाबुआ जिला, रिपोर्टर।